अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अक्सा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और जो भी आप अपने रोज़मर्रा के काम हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मेरी नज़र से एक ऑब्जर्वेशन अभी अभी गुजरी है और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ, और इस पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और मैं आपको जो है वो आज इस जो बात है ना, ये कि एक टॉपिक है, एक पूरा टॉपिक बन गया है अब कि सास जो है वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो ऐसा नहीं है। और क्योंकि सास जो होती है ना, मैंने अक्सर ये लड़कियों के मुंह से ये बात सुनी है, खासतौर पर जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं, जो कज़न्स भी होती हैं जो जिनकी मै जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई, जो दोस्तें होती हैं वो भी दूसरों को देख देख के जो है वो ये जुमले बोल रही होती हैं, चाहे उनकी शादियाँ हुई हैं चाहे नहीं हुई, कि सास जो है वो कभी माँ नहीं हो सकती। सुनी सुनाई बातें हैं ना ज़्यादातर, और सास कभी जो है वो माँ नहीं हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है, सास जो होती है वो माँ होती है, तभी तो वो सास बनती है ना, ठीक है, क्योंकि उनका बेटा होता है, फिर उनकी जो है वो बहू लेके आती है घर में, तो सास जो है वो माँ बन सकती है। लेकिन मसला पता है क्या है, मसला ये है कि सास को जो है ना वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है बहू से, क्योंकि वो अपना बेटा जो है वो सौंप रही होती हैं अपनी बहू को, और वो भी एक लड़की को ख़ास तौर पे, जो कि औरत ही होती है और समझने की होती है बस बात, लेकिन उनको इनसिक्योरिटी आ जाती है माँ को कि हमारी जो बहू है हमारे बेटे को हमसे कहीं दूर ना कर दे। इसलिए अगर बहुएं सही से काम भी कर रही हों, सारा जो भी उनको कहा जाता है वो करके भी दे रही हों, फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत बात कर देती हैं या थोड़ा थोड़ा सा मसला क्रिएट कर देती हैं, शायद इसीलिए कि ये बहुत अच्छा जो है वो अगर काम कर भी रही है और मैंने इसकी तारीफ़ें कर दी अपने बेटे के सामने, तो मेरे बेटे के दिल में जो है वो इसकी जगह बन जाएगी और मेरा बेटा मुझसे दूर होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। और माएँ जो होती हैं ना, खासतौर पे जो सासें होती हैं ना, वो भी माएँ बन सकती हैं और बहुएँ भी बेटियाँ बन सकती हैं। बस थोड़ा सा मसला यही आ जाता है कि माएँ इनसिक्योर हो जाती हैं कि उनका बेटा कहीं उनसे दूर ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता भाई, जो आने वाली है उसको भी पता है कि उसने कैसे रहना है। तो मैंने ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि अक्सर ही जो है ना माएँ खासतौर पे इसी बात से इनसिक्योर होती हैं कि मैंने बचपन से अपने बेटे को पाला है, उसको इतना संभाला है मैंने, और फिर मैंने उसको जो है वो एक अपनी बहू को सौंप दिया है और मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। माओ का दिल होता है ना, और वो थोड़ी सी पोसेसिव होती है अपने बेटों को लेके, तो शायद इस वजह से जो है वो इनसिक्योर हो जाती हैं, जिसकी वजह से सास जो है वो माँ नहीं बनती और जो बहू है वो भी बेटी नहीं बन पाती। तो यही वजह होती है कि इनसिक्योरिटी आ जाती है दरमियान में, और ये नेचुरल चीज़ है और इसको डील करना हमें आना चाहिए। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं। और ख़ास तौर पर जो माएँ होती हैं ना, उनको अपने बेटों की आदतों का पता होता है, क्योंकि वो शुरू से अपने बेटे के साथ रही होती हैं और उनको जो है वो उनकी आदतों को जानती हैं, कौन सी उनकी जो है वो अच्छी आदत है, कौन सी जो है उनकी बुरी आदत। और उस लिहाज से ना माएँ फिर ट्रेन करती हैं अपनी बहुओं को कि उनकी बहू जो है वो उनके बेटे की आदतों की, जो भी उसकी आदतें हैं उसके बेटे की, वो आदी हो जाए, ठीक है। और शायद इसी वजह से जो है वो आपको जो माएँ होती हैं ना, वो बेटे की जो माँ होती है, जो सास होती है, वो माँ नहीं लगती, शायद इसी वजह से, क्योंकि वो ट्रेन कर रही होती है अपनी बहू को कि उसके बेटे की आदतों की ये आती हो जाए। वरना कोई माँ ऐसा नहीं चाहती, कभी भी नहीं चाहती, क्योंकि वो खुद भी जो है वो बहू रह चुकी है, तो कभी भी नहीं वो चाहती कि किसी का घर खराब हो, खासतौर पर जब उनके बेटे का घर हो तो वो खराब हो, वो कभी भी नहीं ऐसा चाहती। लेकिन हाँ, कुछ बेटे जो होते हैं ना वो माँ की बात नहीं मानते और वो अपनी जहालत को जो है वो फरमाबरदारी का नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है वो घर टूटने तक की नौबत आ जाती है। और माँ को भी चाहिए कि अपने बेटों को समझाएं, अपनी औलाद को समझाएं, जिसमें बेटी और बेटे दोनों ही आ जाते हैं, और दोनों को समझाना चाहिए कि बेटा आप भी दरगुजर करो, आप भी दरगुजर करो। अब एक बंदे को जो है वो सिर्फ दबा के रखना और सिर्फ उस पर प्रेशर डालते रहना, ये भी जो है वो अच्छी बात नहीं है। और आज जैसे कि आपको अक्सर ड्रामा टीवीज में भी दिखाया जाता है कि ज़्यादातर जो है वो बहुओं को प्रेशराइज़ किया जाता है और बेटे जो होते हैं वो ज़्यादातर लाइलग माइंड सेट के होते हैं, कोई बात कर दी तो पीछे लग गए, हालांकि पता नहीं उनको कि वो बात हुई भी है या नहीं, तो पता करने के बावजूद पता ना करने पे ही वो जो है वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि सही बात हुई क्या है, और एक तरफा वो बात सुन के तो स्टेप ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा सलूक करते हैं अपनी बेग मात के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है इस्तेमाल करने के लिए, ना कि उसको जो है वो एक आपने पता नहीं क्या खालिसा खाना करके समझ लिया है कि उस ऊपर आपका है ही नहीं, बस किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मान लिया कि हाँ यही है, हालांकि ऐसा नहीं होता।
भाई आपको दूसरी साइड भी सुननी चाहिए और फिर आपको जो है वो देखना चाहिए, हैंडल करने का सही तरीका यही है। और ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा सुन के तो आप दूसरी तरफ जाके बोलने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे जो है वो मसाइल बढ़ते हैं। तो बेहतरीन हल यही है कि बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, माँ को स्टार्ट से ही दरगुजर करना सिखाना चाहिए और उनको सब्र करना सिखाना चाहिए, तभी जो है ये मसाइल कम होंगे। और जो घर आजकल टूट रहे हैं, जो कि एक बहुत ही आम सी बात हो गई है, हर दूसरे बंदे का घर टूट रहा है इन्हीं मसाइल की वजह से, और वो फिर कम से कम होंगे मसाइल और फिर ये घर टूटने की नौबत ये नहीं आएगी। और समझाने का भी जो है वो कोई टाइम होता है कि स्टार्टिंग से ही बच्चे की जो आप ट्रेनिंग करें, जब उसको थोड़ी बहुत समझ आने लग जाए चीज़ों की, जब वो सवाल करने लग जाता है तब आप उसको समझाना शुरू करें, तभी से उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दें। अब ऐसा नहीं है कि जब वो एडल्ट हो गया है, जब वो स्कूल कॉलेज लाइफ में जाने लग गया, तब तो तक उसकी आदतें जो है वो पक्की हो चुकी होती हैं, और फिर आदतों को बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो माँ को भी जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि माँ को जो है ना, अगर वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो उनके बच्चे जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, सब कुछ बनाए उनको, लेकिन साथ में दीन ज़रूर सिखाएं, उनको अल्लाह के करीब करें, उनको दीन सिखाएं, उनको दीन की समझ दें, उनको कहें कि इसको समझें, क्योंकि जैसे ही जैसे डॉक्टर इंजीनियर या प्रोफेसर बने कुछ रूल्स हैं, कुछ बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, इसी तरह से जो इंसानियत है ना उसके उस वो बनने के लिए, यानी कि इंसानियत का हमदर्द बनने के लिए और इंसान एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी रूल्स होते हैं जो हमें हमारा दीन सिखाता है, और हमें वो सीखना चाहिए। और ऐसा अगर पेरेंट्स करेंगे तो उनको देख के उनके बच्चे भी ज़रूर करेंगे, और अगर पेरेंट्स ही ऐसा नहीं कर रहे तो भी जाहिर सी बात है बच्चे भी जो है वो इस तरफ कभी भी नहीं आएंगे। और जब फिर इस तरह से माशरे में बिगाड़ आ रहा है इन्हीं सारी बातों की वजह से कि दीन से दूरी है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हर एक दूसरा घर जो है शायद इसी वजह से उनमें मसाइल हैं कि दीन से दूरी है। तो दीन के उनको करीब करें, अल्लाह के करीब करें, तभी तो जो है ये इंशाल्लाह मसाइल हल हो सकते हैं, और बात करने से ही मसले हल होते हैं। मेरा इस टॉपिक पर बात करने का मकसद भी यही था कि जो मसाइल हैं, जो ये बात बहुत ज़्यादा आसानी से कर दी जाती है कि सास माँ नहीं बन सकती कभी भी, तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और कभी भी कोई भी माँ जो है वो इस तरह से बच्चों की दुश्मन नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का चेंज है, सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से माएँ ऐसा करती हैं और वो सास बन जाती हैं, और उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए और बहुओं को भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो मसाइल हैं घरों के, ये कम से कम हो सकते हैं और फिर ख़त्म भी हो सकते हैं अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो। और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटीज जो है वो इंसान को अच्छे तरीके से हल करनी चाहिए, और तभी जो है वो सोसाइटी में थोड़ा थोड़ी बहुत जो है वो बेहतरी आ सकती है। आई होप आपको जो मेरा मैसेज है वो अच्छा लगा है, लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, और बिल्कुल जो अच्छी आदतें सिखाएं बच्चों को तो इंशाल्लाह ताला फिर उनको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और आप भी जो है वो सुकून में रहेंगे, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अपनी ज़िंदगी को भी आसान करें और दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानी लाने की कोशिश करें, और वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी होगा जब अपने दीन से करीब होंगे, अपने अल्लाह से करीब होंगे, और इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा अगर आप कोशिश करें तो। और थैंक यू सो मच, और मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप कैसे जो है, आपका क्या ओपिनियन है कि सास वाकई माँ नहीं बनती, या जो है वो आप ही, उनकी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, उसको थोड़ा सा हल करने की बस ज़रूरत है और वो माँ बन सकती हैं अगर समझ आ जाए तो। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।